तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका लाइफ इस मनी चैनल में। दोस्तों, हम आपके लिए लेके आ चुके हैं एटलास यूटीसी नाइट्स वर्स अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा। इनका मैच है दोस्तों 35वां मैच और 36वां मैच आपको देखने को मिल जाएगा। वेन्यू की अगर बात की जाए दोस्तों, मार्सा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ये मैच होने वाला है। डेट की अगर बात की जाए तो 1 दिसंबर 35वां मैच 5 बजे स्टार्ट हो जाएगा और जो 36वां मैच रहेगा वो वेन्यू पर 7 बजे मैच स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर अब तो आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो मोस्टली आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो फाइनल टीम का अपडेट है वो टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड करवा के मिल जाएगा। तो दोस्तों, सिंपली क्या करना है, इसी वीडियो के फर्स्ट वाले कमेंट पे आपको मोस्टली हमारे चैनल का लिंक मिल जाएगा, वैसे ही ज्वाइन कर लीजिएगा। नहीं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक में से आपको मोस्टली हमारा चैनल का लिंक मिल जाएगा, वैसे ही आप ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, पिच रिपोर्ट की बात की जाए तो आपको ये मोस्टली इक्वली हेल्पफुल लगेगा। यहाँ पर मोस्टली अगर देखा जाएगा तो आपको बैटमैन्स और बॉलर्स के लिए इक्वली हेल्पफुल देखने को मिलेगा। दोस्तों, प्लेइंग 11 दोनों भी टीमों की स्क्वाड की अगर बात की जाए तो एटलास यूटीसी कल नाइट्स की स्क्वाड देख सकते हो दोस्तों, और अमेरिकन यूनिवर्सिटी की स्क्वाड भी आप देख सकते हो। नीचे बात की जाए तो यहाँ पर आपको टॉप 6 के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें से नाम आता है सैम्बुल स्टार्टिस का। इनकी अगर बात की जाए दोस्तों तो मोस्टली 3 विकेट्स तो मतलब 3 इनिंग खेल चुके हैं, और बात की जाए तो इन्होंने अभी तक 88 रन्स अभी तक मोस्टली बना चुके हैं। स्ट्राइक रेट भी काफ़ी अच्छा है दोस्तों, 135 का इनका स्ट्राइक रेट देखने को मिला है। वही बसिल गोरखे की बात की जाए तो ये भी आपके लिए मोस्ट पिक बनने वाले हैं, तो ज़रूर ट्राई करके चलिएगा। दोस्तों, इन्होंने अभी तक 42 रन्स बनाए हैं, मोस्टली अगर देखा जाए तो 2 इनिंग्स के अंदर इन्होंने अभी तक 42 रन्स बनाए हैं। स्ट्राइक रेट 155 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला है, जो कि इकोनॉमिक भी काफ़ी अच्छा है दोस्तों। इनका विकेट टेकर बॉलर है, मोस्टली 2 विकेट भी लेके जा चुके हैं, तो कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए बेटर चॉइस रहने वाले बसिल गोरखे। अगर नीचे बात की जाए तो आपको अमेरिकन यूनिवर्सिटी की माल्टा की तरफ से यहाँ पर वरुण प्रसाद देखने को मिलेंगे, जो कि दोस्तों अभी तक इन्होंने देख सकते हैं 67 रन्स मोस्टली बना चुके हैं दोस्तों, और 9 विकेट मोस्टली ले जा चुके हैं, तो आपके लिए बेटर पिक बन सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई करके चलिएगा। दोस्तों, आज विकेट कीपर सेक्शन से बात की जाए तो दर्शित पटनाकर दोस्तों, तो इनकी बात की जाए तो 109 रन बनाए 6 मैचेस में, काफ़ी अच्छा इनका रिकॉर्ड रहा है दोस्तों, ज़रूर ट्राई करके चलिएगा। नीचे से बात की जाए तो इस टूर्नामेंट में आपको मोस्टली देखने को मिलेंगे जिनकी अगर बात की जाए दोस्तों, स्टाइलिश सैम्बुल की अगर बात की जाए तो अभी तक देख सकते हैं 88 रन्स मोस्टली बना चुके हैं, आपके लिए बेटर चॉइस है, तो ज़रूर ट्राई करके चलिएगा। बसिल गोरखे 42 रन्स बना चुके हैं, 2 विकेट मोस्टली ले जा चुके हैं, तो कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस के लिए बेटर ऑप्शन रहेंगे। वरुण प्रसाद तोमरनाथ आपके लिए बेटर चॉइस रहने वाले, क्योंकि इन्होंने 9 विकेट्स भी लिए, 67 रन्स बनाए, तो कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए बसिल गोरखे और वरुण प्रसाद बेस्ट पिक रहने वाले हैं। वही दर्शित पटनाकर आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए कैप्टन वाइस कैप्टनसी की चॉइस रहने वाले हैं। जोएब मलिक की अगर बात की जाए तो अभी तक उन्होंने 41 रन्स बनाए, 6 विकेट लेके जा चुके हैं, ये भी ग्रैंड लीग के लिए कैप्टन वाइस कैप्टनसी की चॉइस बनने वाले हैं। और यहाँ पर दर्शित पटनाकर भी आपके लिए कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की चॉइस के लिए बनने वाले हैं। दोस्तों, चलते हैं वीडियो प्लेयर्स डेट्स की ओर। तो टेस्ट की ओर जाने से आपसे पहले आप सबको एक बात बता दूं, सिंपली आप सर्च कीजिएगा लाइफ इस मनी, जो कि हमारा चैनल मोस्टली आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको सारी के सारी एनालिसिस कंप्लीटली करवा के देने वाला है। तो वीडियो को मतलब चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि फाइनल टीम का अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, यहाँ से बात की जाए तो आपको दिखाऊँ एटलास यूनिवर्सिटी की बात की होती है दोस्तों, यहाँ पर देखने को मिल रही है तो उन्होंने सैम्बुल स्टेटस ने अभी तक 4 मैचेस हुए, उन्होंने 3 इनिंग्स के लिए 88 रन अभी तक बनाए हैं। और बात की जाए तो उनका हाईएस्ट 51 है दोस्तों, स्ट्राइक रेट 135 का स्ट्राइक रेट इनका देखने को मिला है। वही बसिल गोरखे की बात की जाए तो अभी तक देख सकते हैं दोस्तों 2 मैचेस खेल चुके हैं, और बात की जाए तो उन्होंने देख सकते हैं 42 रन्स अभी तक बना चुके हैं, हाईएस्ट 22 का इंटर रहा है, स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छा है दोस्तों, हाई हिटर बैटमैनर, जरूर ट्राई करके चलिएगा। 155 का इनका स्ट्राइक रेट देखने को मिला है। वैश आविश दिलीप की बात की जाए, अविनाश दिलीप की, तो इन्होंने 4 इनिंग खेली है, देख सकते 34 रन्स अभी तक मोस्टली बना चुके हैं दोस्तों, तो बेटर पिक बन सकते हैं, हाई स्कोर इनका 22 का रहा है।
और स्ट्राइक रेट भी काफ़ी अच्छा है, 141 का इनका स्ट्राइक रेट देखने को मिला है। वही जितेंद्र संजू की बात की जाए तो दो ही इनिंग खेली अभी तक मोस्टली, और बात करते हैं तो उन्होंने अभी तक देख सकते हो मोस्टली 7-9 रन बनाए मोस्टली दो इनिंग के अंदर, तो ट्राई करने का कोई मतलब नहीं बनता। वही नितिन बाबू की बात की जाए दोस्तों तो नितिन बाबू आपके लिए मोस्ट पिक बन सकते हैं, लेकिन वो बेटर इस सीज़न कुछ खास परफॉर्मेंस कर नहीं पाया तो ग्रैंड लीग में ट्राई कीजिएगा, स्मॉल लीग में थोड़े रिस्की रहेंगे। अब्दुल की बात की जाए दोस्तों तो इनका भी कुछ खास स्टैट मिला नहीं है। बात की जाए इधर से बॉलिंग सेक्शन से अगर बात की जाए तो आपको मोस्टली यहाँ पर देखने को मिलेंगे नितिन बाबू, जो कि दोस्तों अभी तक 4 मैचेस खेल चुके हैं, 4 ओवर डाली है, और विकेट्स की बात की जाए तो 3 विकेट्स मोस्टली लिए जा चुके हैं दोस्तों। इकोनॉमिक काफ़ी कम है तो 3.75 का इनका इकोनॉमिक है, मोस्टली आपके लिए बेटर पिक बन सकते हैं। बॉलिंग सेक्शन से बैटिंग सेक्शन से उतने खास नहीं, लेकिन बॉलिंग सेक्शन से आपके लिए मोस्ट पिक बन सकते हैं। वही बात करते हैं जितेंद्र संजू की, तो इनकी अगर बात की जाए दोस्तों तो अभी तक 4 मैचेस खेल चुके हैं, 4 ओवर डाल चुके हैं, बात की जाए तो अभी तक इन्होंने मोस्टली 3 विकेट्स लेके जा चुके हैं, और इकोनॉमिक 7.75 का है, तो मोस्टली ये भी प्लेयर आपके लिए बॉलिंग सेक्शन से बेटर लगे हैं। वही सुजेश अप्पू की बात की जाए तो इन्होंने अभी तक देख सकते हो दोस्तों 4 ओवर डाल चुके हैं, और बात की जाए तो इन्होंने 2 विकेट्स मोस्टली ले जा चुके हैं। काफ़ी इनका इकोनॉमी भी काफ़ी कम है दोस्तों, 4.50 का इनका इकोनॉमी देखने को मिला है। वही बसिल गोरके की बात की जाए दोस्तों तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, अगर इनकी बात की जाए तो इन्होंने 2 ही मैच खेले, 4 ओवर डाल चुके हैं दोस्तों, और कंफर्मली 2 ओवर की गेंदबाजी करवाएंगे, और 2 विकेट भी मोस्टली ले जा चुके हैं, 9.25 का इनका इकोनॉमिक रहा है। वही शाह आसिफ की बात की जाए तो इन्होंने दो मैचेस में दो ही ओवर डाले हैं, और मोस्टली इनको 1 ही विकेट मिला है दोस्तों, तो ये भी बेटर पिक है, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, चाहो तो ड्रॉप करके चल सकते हो। वही साउद बाबू की बात की जाए तो इनका इकोनॉमिक काफ़ी हाई है, लेकिन ये मोस्टली 1 विकेट्स लेके जा चुके हैं दोस्तों, ये बात जरूर ध्यान में रखे चलिएगा, क्योंकि इन्होंने 5 ही गेंद किए थे लास्ट वाली मैच में, वो भी उनको 1 विकेट्स मिला था, लेकिन इकोनॉमिक काफ़ी हाई है। चलिए दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं अमेरिकन यूनिवर्सिटी की, अमेरिकन यूनिवर्सिटी की बात की जाए दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे दर्शित पटनाकर की बात की जाए दोस्तों तो अभी तक देख सकते हैं 4 इनिंग्स खेल चुके हैं, 102 रन बना चुके हैं, हाई स्कोर का 39 है दोस्तों, एवरेज स्कोर 34 का एवरेज स्कोर देखने को मिला है। विक्रम आरोहा इनकी अगर बात की जाए तो इन्होंने अभी तक 2 इनिंग्स खेली है, और रन्स भी 87 रन अभी तक मोस्टली बना चुके हैं, तो काफ़ी अच्छे बेटर पिक लगे हैं। अभिषेक प्रजापति की अगर बात की जाए तो 4 इनिंग्स खेल चुके हैं, 38 रन मोस्टली बना चुके हैं, हाईएस्ट इनका 21 देखने को मिला है। वरुण प्रसाद थॉमस की बात की जाए तो इन्होंने 3 इनिंग्स खेली है, और नीचे से अगर बात की जाए 35 रन मोस्टली बना चुके हैं, हाईएस्ट इनका 18 देखने को मिला है दोस्तों। मोस्टली ये भी पिक मुझे बेटर लगे, लेकिन इनका बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे है, और मोस्टली आपके लिए बॉलिंग सेक्शन से भी बेटर ऑप्शन रहेगा, तो ज़रूर ट्राई करके चलिएगा। वही जसी सिंह की बात की जाए तो इन्होंने 1 ही इनिंग खेली दोस्तों, 33 रन बनाए, हाइफ सिंह का 33 देखने को मिला है, तो जैसे सिंह भी आपके लिए बेटर ऑप्शन बन सकते हैं। जोएब मलिक की बात की जाए तो 3 इनिंग खेली है और 32 रन बनाए, और इनका हाइस आपको 18 देखने को मिला है, जो कि बेटर ऑप्शन है, तो ट्राई करके चल सकते हो दोस्तों। इनकी बैटिंग लेकिन बैटिंग ऑर्डर ऊपर रहती है, तो जोएब मलिक ट्राई करने के लायक हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो की एनालिसिस यहीं पर ख़त्म होती है, आपने अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो लिंक है वहीं से ज्वाइन कर लीजिएगा, और आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको अगला आने वाला वीडियो जल्दी से जल्दी मिल सके। चलते हैं दोस्तों हमारी डेमो टीम की ओर। तो दोस्तों हमने यहाँ पर पहले से ही डेमो टीम तैयार करके रखी थी, मतलब क्रिएट करके रखी थी। बात की जाए तो आपको यहाँ पर देखने को मिले तारक शाह, जो कि बेटर ऑप्शन बन सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई करके चलिएगा, साथ ही में आपको मोस्ट ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। आप अगर तारक शाह को ड्रॉप करना चाहते हो तो मैं आपको आगे बताऊंगा किस प्लेयर को पिक कीजिएगा। डी पटनाकर की बात की जाए तो ये मोस्ट पिक है दोस्तों, स्मॉल लीग के हिसाब से इनको बिल्कुल भी ड्रॉप मत कीजिएगा, और नीचे से ये दिलीप को आप ग्रैंड लीग में ट्राई करके चल सकते हो, स्मॉल लीग के हिसाब से मुझे बेटर पिक नहीं लगे हैं। चलते हैं दोस्तों बैटिंग सेक्शन की ओर। बैटिंग सेक्शन से आपको मोस्टली बता दूँ तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे मोस्टली जो यस स्टैटलैन अगर बात की जाए तो उन्होंने मोस्टली आपके लिए बेटर पिक बन सकते हो, ज़रूर ट्राई करके चलिएगा। बी गोरके भी आपके लिए मोस्ट पिक है, तो ज़रूर ट्राई करके चल सकते हो दोस्तों, ये दोनों के साथ आपको मोस्टली जाना है। इससे बात की जाए तो ये प्रजापति आपको बैटिंग और बॉलिंग से दोनों तरह से पॉइंट लेके जाएंगे, तो मोस्टली आपके लिए बेटर पिक बन सकते हैं। आप चाहो तो नीचे से ये बाबू को भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन ग्रैंड लीग में ट्राई कीजिएगा, स्मॉल लीग में मुझे थोड़े रिस्की लगे हैं। बात की जाए ऑलराउंडर सेक्शन से आपको मोस्टली देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर अगर
ये कुंतला अगर खेलते हैं तो आप ट्राई कर सकते हो इनके जगह पर। आप ट्राई करना चाहते हो तो तारक शाह की जगह पर उनको बिल्कुल भी ट्राई कर सकते हो दोस्तों। अगर नहीं खेलते तो कोई ट्राई करने का मतलब नहीं बनता। नीचे से बात की जाए तो वरुण प्रसाद थॉमस आपके लिए बेटर पिक है, ज़रूर ट्राई करके चलिएगा। जय सिंह भी आपके लिए मोस्ट पिक है, ट्राई करके चलिएगा दोस्तों। जोएब मलिक भी आपके लिए मोस्ट पिक है। जय सिंह को आप ड्रॉप करके चलना चाहते हो तो आपको यहाँ से बेटर ऑप्शन मोस्टली मुझे लगा है कि नीचे से वी संजू हो सकते हैं, तो ट्राई ज़रूर करके चलिएगा ग्रैंड लीग के साथ। स्मॉल लीग में आप बेटर सेफ चॉइस के साथ ही जाइएगा। यहाँ पर बात की जाए तो जय पटेल आपके लिए मोस्ट ऑप्शन है, ज़रूर ट्राई करके चलिएगा। जय संजू मोस्ट ऑप्शन है, जय पटेल भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है और एन बाबू भी आपके लिए मोस्ट ऑप्शन है, ज़रूर ट्राई करके चलिएगा। आप चाहो तो यहाँ से ए अप्पू को भी ट्राई करके चल सकते हो ग्रैंड लीग के हिसाब से, और नीचे से एस गोयल डी गोयल को भी आप मोस्टली ट्राई करके चल सकते हो। लेकिन मैं डी गोयल को अगर ट्राई करूँगा तो ऑलराउंडर सेक्शन से यहाँ पर जय सिंह को ड्रॉप करके डी गोयल को साथ जाना चाहूँगा। दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टनसी की बात की जाए तो आपके लिए सिंपल ही बात की जाए तो वरुण प्रसाद को कैप्टन रखिएगा। वाइस कैप्टनसी की बात की जाए तो जोएब